रूपी झा के किचन में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे से हो। आज हम आप लोग के लिए, जो भी मेरी माताएं बहनें यहाँ पर मैं 9 दिन का व्रत करती हैं, आज उनके लिए हम बहुत ही अच्छा चटपटा टेस्टी और मतलब फलहारी बनाएंगे। सॉरी, तो आप लोग यहाँ पर मैं वीडियो को फुल देखिएगा, एक भी यहाँ पर मैं आप लोग स्किप मत करिएगा, फुल वीडियो देखिएगा और यहाँ पे इसी तरह से बनाइएगा। आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगा और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो चलिए किचन में और हम लोग मिलके बनाते हैं। क्या क्या लेंगे तो भी शेयर करेंगे। यहाँ पर मैं 4 आलू से बहुत ही टेस्टी हम आप लोग के लिए पूरे नवरात्रे 9 दिन के लिए हम यहाँ पे रेसिपी तैयार करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं हम फ्राई पैन चढ़ा लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मूंगफली भून लेंगे। आज हम आप लोग के लिए नवरात्रे में बहुत ही अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा चटपटा और तीखा, यहाँ पर मैं आप लोग के लिए फलहारी बनाएंगे जो यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप इसको 9 दिन भी यहाँ पे बना के खा सकती हैं, पूरे 9 दिन। तो इसको हम बिना तेल और बिना घी से ही हम इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो मूंगफली है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आप देख सकती हैं, जो यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसको हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर में हम इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ वापस हम वही पेन फिर से चढ़ा लिए हैं और अब हम इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 चम्मच इसमें हम घी डाल देंगे। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पर में आलू यहाँ पे कट कर लिए हैं और यहाँ पे आलू हम बॉईल किया हुआ आलू लिए हैं और इसको हम थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर में ब्रश वाली हम यहाँ पे आप लोग के लिए फलहारी बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हम 1/2 आलू इसमें हम डाल लिए हैं और हम इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सारा इस तरह से हम अलट पलट कर लिए हैं और यहाँ पे जो आलू है वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए क्रिस्प हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, तो इसको भी हम बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आलू जो है वो बहुत अच्छे से क्रिस्प हो गया। चलिए प्लेट में निकाल ले इसको भी। यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम नारियल ले लिए हैं और थोड़ा सा हम किशमिश ले लिए हैं। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे हम रोस्ट कर ले। यहाँ पे देखिए, ये भी यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे ब्राउन हो चुका है, भुन चुका है। तो चलिए हम इसको भी प्लेट में निकाल। यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा अदरक और यहाँ पे हरी वाली मिर्च काट लिए हैं। 1 इंच हम अदरक काट लिए हैं और 2 हरी मिर्च ले लिए हैं। अब आप चाहे तो यहाँ पे जीरा भी डाल सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे जीरा नहीं डालेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा घी बचा है तो उसी में हम इसको थोड़ा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम भुना हुआ मूंगफली और किशमिश और ये जो नारियल है ये हम डाल देंगे। वापस से अब यहाँ पे हम तला हुआ आलू भी डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम काली मिर्च ले लिए हैं तो हम इसको इसमें हम डाल देंगे। अब यहाँ पे हम इसको हम इस तरह से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग के लिए नवरात्रे स्पेशल फलहारी बनके तैयार हो चुका है। इस नवरात्रे आप बनाइए और पूरे 9 दिन यहाँ पर में आप लोग इसको एंजॉय कर सकती हैं, खा सकती हैं। तो जो यहाँ पर में 9 दिन का व्रत करती हैं तो इसको ये आप लोग रोज ले सकती हैं, रोज यहाँ पर में। हम यहाँ पर में सेंधा नमक नहीं डाले हैं क्योंकि हम लोग में सेंधा नमक भी नहीं खाया जाता है। आप यहाँ पर में चाहे तो सेंधा नमक डाल सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे सेंधा नमक नहीं इस्तेमाल किए हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यहाँ पर में ड्रेस यहाँ पे कड़ी पत्ती ले लिए हैं तो हम यहाँ पे कड़ी पत्ती डाल देंगे। और अब यहाँ पे हम कड़ी पत्ती डाल के इस तरह से हम यहाँ पे मिला लेंगे। और अब यहाँ पे हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पर मैं नवरात्रे स्पेशल आप लोग के लिए क्रिस्पी क्रिस्पी यहाँ पे देखिए फलहारी बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए हम इसको सर्व करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे प्लेट में इस तरह से हम सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप आवाज़ सुन रही होंगी जो कितना क्रिस्पी क्रिस्पी
यहाँ पे नवरात्र स्पेशल आप लोग के लिए यहाँ पे रेसिपी बन के तैयार है, जो पूरे 9 दिन तक आप बहुत ही यहाँ पे मन से खाएंगी। जब आप यहाँ पर में जो 9 दिन का व्रत करती हैं और यहाँ पर में व्रत करके पाठ करके उठेंगी और इसको लेंगी, तो उनको यहाँ पे खाने के बाद थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप लोग के लिए नवरात्र स्पेशल यहाँ पर में एनर्जी वाली रेसिपी बनके तैयार हो चुका है, इसे आप लोग ज़रूर बनाइए पूरे नवरात्र और खाइए। और वीडियो अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्त के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर यहाँ पे आप लोग के लिए नवरात्र स्पेशल यहाँ पर मैं देखिए क्रिस्पी आलू से हम बना करके तैयार कर दिए हैं, आलू और मूँगफली यहाँ पर मैं। तो आप लोग को कैसा लगा ये रेसिपी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कहाँ से कमेंट कर रही हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, सपोर्ट करिए। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टिके बाय बाय, वीडियो एंजॉय करिए और हैप्पी रहिए।